ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 15 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। पहले तो वो प्यार का सागर है, या ज्ञान का सागर है, पहले क्या है? पहले ज्ञान का सागर है, क्योंकि ज्ञान मिलेगा, ज्ञान माने जानकारी, तो प्यार पैदा होगा। जानकारी ही नहीं मिलेगी तो प्यार कहां से पैदा होगा? तो पहले ज्ञान का सागर और पीछे प्यार का सागर है। ये बात आज बच्चों को समझाते हैं, और किन बच्चों को समझाते हैं? जो बच्चे विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, क्षीर सागर को भूल जाते हैं, खीर खंड होना ही भूल जाते हैं, विषय सागर को वास्तव में काली देह भी कहा जाता है। ये बातें भागवत में हैं। कि कैसे काली देह में गोता खाया, और भागवत भी इस प्रेजेंट समय का ही यादगार है। शास्त्र है ना, काली देह में तक्षक सर्प सर्पिणियां रहती थी, उन तक्षक सर्प और सर्पिणियों का तो जरूर बड़ा गांव होगा। सन्यासी लोग भी सर्प सर्पिणियां कहते हैं, स्त्री को सर्पिणी, तो खुद को सर्प समझते होंगे। तो ये सर्प सर्पिणियां काली देह में रहते हैं, और ये एक की बात नहीं है, ये तो बेहद की बात है। ये विषय सागर है जिससे पार होना है। विषय सागर को ही पतित सागर कहेंगे। अपन तो अब संगम पर हैं, कलयुगी काली देह से किनारे आ गए हैं। अब हम न कलयुग में हैं और न सतयुग में हैं, हम तो संगम युग पर हैं। क्योंकि काली देह का किनारा अब हमने छोड़ दिया है, अब हम जा रहे हैं उस पार। इतना जरूर है कि कोई कोई की दिल अभी भी है काली देह से, और बहुतों की दिल तो इस काली देह से उठ गई है।
तो जिनकी दिल उठ गई है वो सदैव अपने स्वर्ग को ही याद करते हैं, और ज्ञान सागर को ही याद करते हैं। पहले पहले तो हमको ज्ञान सागर के पास निर्वाण धाम में जाना है, कलयुग के बाद है सतयुग, विषय सागर के बाद है अमृत का सागर, खीर सागर कहो अमृत सागर कहो, बच्चे जानते हैं इस दुनिया को ही विषय सागर कहा जाता है। विष्टा के कीड़े कहे जाते हैं, सन्यासी दृष्टांत भी देते हैं, भ्रमरी विष्टा के कीड़ों को आप समान बनाती है। वास्तव में भ्रमरी की बात नहीं है, मनुष्य आत्मा कोई 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, ये तो तुम ह्यूमन भ्रमरियों की बात है। तुम ब्राह्मणिया बहुत कीड़ों को भू भू करके आप समान बनाती हो, तो जिनको आप समान बनाने में लगी रहती हो उनमें कोई तो कीड़े ऐसे हैं जो सड़ ही जाते हैं, और कोई के ज्ञान योग के पंख आ जाते हैं तो उड़ने भी लग पड़ते हैं। तो जो उड़ने लग पड़ते हैं वो तो और कीड़ों को भी निकाल आप समान बनाने लग पड़ेंगे। ये उड़ने वालों की निशानी है, अभी ब्राह्मण नाम ठीक है, अमृतसर में गुरुपोत्रे गुरुपोत्रियां बहुत कहते हैं, वास्तव में गुरु पोत्रे नहीं सदगुरु पोत्रे पोत्रियां हैं, और वो तुम हो। भारत में डाडे का हक ग्रैंड चिल्ड्रंस को बहुत मिलता है, तो ये भी डाडा की प्रॉपर्टी है क्या? डाडे की प्रॉपर्टी क्या है? हाँ बोल। ज्ञान, वो ज्ञान का सागर है। ये ब्रह्मा तो काली देह में पड़ा था, दिखाते हैं कृष्ण काली देह में गया, तक्षक सर्प ने डसा तो काला हो गया, अभी बरोबर कृष्ण की आत्मा काली देह में है। और अब निकल रही है, और सिर्फ एक कृष्ण की आत्मा काली देह में नहीं है, सभी काली देह में हैं, क्योंकि हैं तो सभी देवी देवता धर्म के, फिर बाप आए इन कीड़ों को निकालते हैं,
तुम जानते हो हम कितने सनाथ थे, गोल्डन एज में थे, अभी अनाथ बन पड़े। भारत सनाथ था, अब देखो कैसे अनाथ बन पड़े हैं। ऐसे तो अनाथ बन पड़े हैं जो तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। अब ये अनाथ आकर के शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं, बलि चढ़ते हैं तो सनाथ बन जाते हैं, बाकी तो सभी अनाथ ही हैं। बल कोई के पास करोड़ है, पदम है, तो भी कहेंगे अनाथ। नाथ कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। परंतु उनको तो जानते ही नहीं है, नहीं जानते हैं तो अनाथ हुए। कहते हैं काली देह में आकर के नाग को नाथ लिया, अभी सर्पों को अमृत पिलाए, देवता बनाए रहे हैं। तो इस समय सारी दुनिया काली देह में पड़ी हुई है। नाम लेते हैं एक कृष्ण का, जरूर पहले पत्ते का ही नाम लेंगे। जो ऊंचते ऊंच होगा उनका ही नाम लेंगे ना, तो जरूर उनका सारा कुल काली देह में होगा। तुम भी कृष्ण के कुल के थे ना, अब बाबा ने ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को दिया है, माताएं बैठ कुंभ भी पाक नरक से निकालती हैं। तो काली देह अथवा कुंभी पाक नरक एक ही बात है। जैसे कीड़े को गंध से निकालो, साफ सुथरे स्थान पर धूप में रख दो तो फिर बिल बिलाई के गंध में जाकर गिरता है, वैसे यहां भी बहुत हैं जिनको गंध से निकालो फिर भी जाकर के गंध में कूद पड़ते हैं। नरक का कुंड बहुत याद आता है, इसलिए बाबा कहते हैं इस नरक के कुंड को याद मत करो, ये नरक का द्वार है। वो सन्यासी कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, क्योंकि वैश्याएं आदि दुकान निकाल करके बैठ जाती हैं, पुरुष तो दुकान निकाल कर नहीं बैठते हैं। परंतु अभी स्त्रियों को भी खराब करने वाले तो ये सर्प ही हैं, उनको वैश्या बनाने वाले ये सर्प ही हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं। अब बताओ स्त्रियों की इतनी ग्लानी क्यों है, क्योंकि वैश्यालय स्त्रियों का ही होता है, आलय घर को कहा जाता है,
वैश्याल, वैश्या का घर होता है ना, अभी बाप शिवालय में ले जाते हैं, वो शिव बाबा का घर है, परमधाम भी शिव बाबा का घर है, स्वर्ग भी बाप का घर है। तो उस घर में ले जाने के लिए अभी फिर बाप आए, माताओं पर कलश रखते हैं, कलश रखते हैं, तब बाबा कहते हैं कि इन गणिकाओं का भी उद्धार करना है। 15-3-63 की वाणी का दूसरा पेज, किन गणिकाओं का उद्धार करना है, उन्हीं गणिकाओं का उद्धार करना है जिनको बाप ज्ञान अमृत पिलाते। फिर प्रभाव में आ जाती है, इसमें तो ताकत चाहिए। इस समय पूरा वैश्यालय है, तो कहेंगे स्त्रियां ही नरक का द्वार हैं, क्योंकि वो स्त्रियां ही बाजारी बैलों को पनाह देती हैं। इसलिए सारी दुनिया कुंभ ही पाक नरक है, इसका नाम ही है कलयुग। तो सिर्फ भारत ही नहीं, सारी दुनिया कुंभी पाक नरक में पड़ी हुई है, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। तुम उससे निकाल करके स्वर्ग का द्वार दिखाती हो, इसलिए माताओं पर कलश रखा है। तो तुम माताओं को पहले किनका ख्याल रखना चाहिए, है? सर्पों का ख्याल रखना चाहिए, उन बाजारी बैलों का ख्याल रखना चाहिए, या अपनी हमजिंस का ख्याल रखना चाहिए? एक तरफ तो माताएं अमृत पिलाए रही हैं, नरक के द्वार में जाने से बचाए रही हैं, बाप कहते हैं ये नरक का फाटक अब सील कर दो, फिर देखो इस काली देह में तो सील खोलने के लिए भी मारते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं माताओं को उठाता हूं, संख्या भी जास्ती किनकी है, कन्याओं की है, कुमारों की है, अधर कुमारों की है, या माताओं की है? सन्यासी तो भाग जाते हैं, बाप फिर देखो कैसी कमाल करते हैं, सन्यासियों को डर लगता है तो भाग जाते हैं।
बाप तो डरते नहीं, कमाल करके दिखाते हैं, कहते हैं इन माताओं द्वारा अमृत पीने स्वयं कल्याण नहीं हो सकता, माताएं ही नरक का द्वार बंद करने और स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनती हैं। दिखाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को माताओं ने बाण मारे हैं, ये सभी संगम की बातें हैं, जबकि सारी सृष्टि ही बदलनी है। वैश्यालय से शिवालय बनना है, और स्वर्ग की स्थापना करने वाला तो एक ही शिव बाबा है, स्थापना करने वाला कोई भी मनुष्य, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको भी क्रिएटर नहीं कहेंगे, नई दुनिया का क्रिएट करने वाला एक ही बाप है। लोग कहते भी हैं मनुष्यों को किसने पैदा किया, तो कह देते हैं भगवान ने पैदा किया। अब वो भगवान तो एक ही है, तो बाप कहते हैं मीठी मीठी बच्चियों, नरक के द्वार की तरफ कब देखना भी नहीं है, जिससे लगाव लग जाए, अटैचमेंट हो जाए, उसको भी कब देखना नहीं है। कोई बच्चों को मनसा संकल्प भी आते हैं नरक का द्वार देखने का, तो इसको काम का नशा कहा जाता है। इसलिए कहते हैं द्रौपदी ने कहा मुझे दुर्योधन नगन करते हैं, मुझे नगन करते हैं, मुझे नगन होने से बचाओ। बाप भी कहते हैं अभी नगन मत होना, तो स्त्रियों को ही नरक का द्वार बंद करना पड़े। ये भीष्म पितामह, ये पांडवों के रूप में बैठे पुरुष, ये बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य, ये कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। तो माताएं ही कोई भी हालत में नरक का द्वार बंद करें, द्रौपदी ने कहा दुर्योधन मेरा द्वार खोलता है, इनसे बचाओ। अभी बाप कहते हैं ये पुरुष साहब दुर्योधन दुशासन है, जो नगन करते हैं। तो बात सारी अभी की है, ये भागवत ग्रंथ भी अभी का यादगार है,
पहले होती है गीता। गीता ज्ञान सुनाते हैं तो फिर बाघ खड़ी होती है, बाघ बत्र चीज आती है। फिर जब बाघ खड़ी होती है तो क्रोध आता है, महाभारत युद्ध हो जाता है। तो पहले गीता, फिर भागवत, फिर महाभारत युद्ध। तो अभी ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, ये कुंभीपाक नरक भी कलयुग को कहा जाता है, जहां बिख बहुत याद आता है। तो पूछते रहते हैं स्वर्ग में ये बिख मिलेगा? तुम कहती हो वहां तो बिख की बात ही नहीं, नाम ही है स्वर्ग, स्व आत्मा को कहा जाता है, गमाने गया, कहां गया, आत्मिक स्थिति में गया। तो आत्मिक स्थिति में रहने में ही स्वर्ग है। देह बान में आते हैं तो देह की कर्म इंद्रियां याद आती, ये पांच विकार तो महाकाली देह है। ये पांच विकार काली देह में ही रहते हैं, उनमें भी पहले है अशुद्ध अहंकार। ये सभी संगम युग की बातें हैं। तो अभी सभी इस विषय सागर में जहर में घोते खाए रहे हैं। ये सन्यासी भी तो बिख से ही पैदा होते हैं, जिनकी पैदाइश ही बिख से है तो जरूर पतित ठहरे, परंतु कभी भी अपन को पतित समझते नहीं है। समझते हैं हम पावन हैं, हमने गृहस्थी को छोड़ा है, घरबार छोड़ा है, ये गृहस्थी ही गृहस्थी है जो घर बार को छोड़ नहीं पाते। सन्यासी भी समझते हैं अभी हमारा शरीर तो अपवित्र है, परंतु कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। जैसे कि उनकी आत्मा का अटैचमेंट शरीर में जाता ही नहीं हो, तो कहते हम आत्मा को गंगा में साफ करते हैं। अब गंगा से थोड़ी शुद्धि होगी, पानी की गंगा से शरीर शुद्ध होगा या आत्मा शुद्ध होगी? और अभी तो ये सारी प्रकृति ही तमो प्रधान है, कितना भी गंगा स्नान करें फिर भी आखिरी बिख से ही जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि सबकी अंत मते सो गते नुदी हुई है। इस काली देह में तो सब बिच्छू डिंडन पड़े पड़े हैं, ये रौरव नरक भी यही है। बाकी कोई नदी नहीं है, इस विषय वैतरणी नदी में
सभी मनुष्य बहुत तड़पते हैं, इसलिए वो हठ योग संन्यास करते हैं, हठ पूर्वक इंद्रियों का दमन करते हैं। मन का तो दमन कर नहीं पाते, मन को कंट्रोल करना तो बाप ही सिखाते हैं। बाबा सिखलाते हैं राजयोग संन्यास, कृष्ण को भी अभी आकर के काली देह से निकाल राजयोग सिखला रहे हैं। कल एक माता आई थी, कहा कि हम अनाथ आश्रम को संभालने वाली हैं। अब अनाथ आश्रम को आश्रम तो नहीं कहना चाहिए, आश्रम माना पवित्र। इसको तो अनाथालय कहेंगे और बाप बनाते हैं सनाथालय। सतयुग में भारत सनात था, अभी कलयुग में अनाथ है, इसलिए हमेशा अनाथालय से किनारा करते हैं। स्त्री को नरक का द्वार कहते हैं और उसमें जाते हैं पुरुष लोग, इसलिए सन्यासी तो जंगल में जाते हैं। नरक के द्वार में नहीं जाते हैं तो न जाने वालों के आगे अर्थात उन सन्यासियों के आगे नरक के द्वार में जाने वाले माथा टेकते हैं कि तुम ऊंचे हो, हम तो नीचे हैं, हम नहीं जा सकते। अभी बाबा कहते हैं क्यों नहीं दोनों पवित्र बन जाएं, क्योंकि रहना तो गृहस्थियों को भी यहां ही है और सन्यासियों को भी यहां ही रहना है। तुम स्त्रियां थोड़े ही भागती हो, न भागेंगी। स्त्री और पुरुष दोनों यहां पवित्र रहेंगे तो स्वर्ग बन जाएगा। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा हम तो नरक में गिर गए। बाबा कहते हैं अरे ये तो जैसे तुम कुंभी पाक नरक में व काली देह में गिर पड़ते हो, फिर भी बाप बच्चों को कितना समझाते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य काली देह में बहुत दुखी हैं। बाप इससे निकाल अमृत के सागर में ले जाते हैं, कहते हैं ना मानसरोवर पर अमृत का सागर है। वास्तव में मनुष्य को सरोवर कहा जाता है, मननात मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतनशील है तो मनुष्य है, जानवरों का मनन चिंतन मंथन थोड़े चलता है,
तो जिनका मनन चिंतन मंथन चलता है, ऐसे मनुष्यों में जो अव्वल नंबर है, उसकी यादगार में ज्ञान मानसरोवर नाम दिया है। क्योंकि उसमें ज्ञान का ही मंथन चलता है, इसलिए नाम देते हैं नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माना घर। जिसका ज्ञान जल में ही घर है, तो देखो शास्त्रकारों ने शास्त्रों में न शंकर पार्वती को ऊंचे पहाड़ पर जाकर बिठाई दिए। वास्तव में है मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज की बात, पंद्रह तीन 63 की वाणी का तीसरा पेज, और फिर उनकी यादगार ऊंचे ऊंचे मंदिर भी बनाए हैं, खास करके शिव का मंदिर तो बहुत ऊंचाई पर बनाते हैं। तो वास्तव में शिव का मंदिर ही ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। परंतु वहां जाएगा कौन? इसलिए आजकल शहरों में ही बनाए दिए हैं। ये सभी राज तुम बच्चों की बुद्धि में ही हैं, परंतु कोई 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 इन बातों की धारणा भी नहीं होती है, क्योंकि अभी भी नरक का द्वार याद आता रहता है। कोई कोई तो हैं जरूर जो कन्याओं को गुटका दे करके नरक के द्वार में डाल देते हैं। कन्या की शादी कराई, फाटक खुला, दुर्गति हुई, फिर बेचारी सभी को माथा टेकती रहती है। अभी तुम तो पवित्र कन्याएं बनी हो, तो जाकर के पूजनीय देवी देवता बनती हो। फिर अगर द्वार खुला तो पूज्य कैसे बनेगी? फिर तो सीधे रसातल चली जाएंगी। अभी बाप समझाते तो बहुत हैं, बाप की दिल होती है दिल्ली में व बॉम्बे में जाकर के डांस करूं। क्यों? दिल्ली और बॉम्बे में ही क्यों? क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे में ही स्थापना और विनाश का अड्डा है। दिल्ली है स्थापनाकारी और बॉम्बे है विनाशकारी। दोनों में ही कल्याण है, परंतु वहां ढेर की ढेर आफतें हैं। कहां कहां बताया? दिल्ली और बंबई में। यहां तो तुम बच्चों का मधुबन है, विकार की तो बात ही नहीं। कर्मेंद्रियों से नरक के द्वार में गया और बेड़ी डूबी। सिंधी में एक पहाका भी है, फाटक में न घुसना। वास्तव में ये फाटक है,
कितनी कड़ी कड़ी बातें बोलते हैं, और बाबा तो सभा में भी ठोंक सकते हैं। इसलिए बॉम्बे दिल्ली याद पड़ती है, वहां अच्छी तरह से ठोंकूं कि अब काली देह में मत कूदो, उस काली देह को कुंभी पाक नरक कहा जाता है। विद्वान पंडित आचार्यों कोई को पता नहीं है कि भारत अभी कितना गिरा हुआ है। वो तो गुलछर्री उड़ाते हैं, बड़े बड़े महल मानिया बनाए बैठे हैं। अभी बाप इनको पकड़ने के लिए डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं हैं। ज्ञान की ताकत नहीं है तो उछाल खाते ही नहीं है। नहीं तो इस बात को बड़े जोर से उठाना चाहिए कि श्री श्री 108 जगतगुरु का टाइटल इन हिरण्यकश्यपों ने अपने सिर पर रख दिया है। दुख से पैदा हुए, काली देह में पड़े हुए, अपने ऊपर इतने टाइटल रख बैठे हैं। कितना जोर से उठाना चाहिए। परंतु बच्चे अजुन सगीर नहीं बने हैं, अभी तो माताओं को ये चैलेंज देनी है। परंतु इसमें निर्भयता बहुत चाहिए। क्योंकि पुरुष तो निर्भय बन के लड़ाई में घुस जाते हैं, माताएं तो लड़ाई में नहीं जाती हैं। कन्याओं माताओं का तो चोला ही ऐसा है, तो निर्भय होने में आज उन अभी समय है। जब तक कि बालिग न बने। अच्छा, अभी कितना समझाएं? बच्चे कीड़ों को निकाल, भू भू करो, जो भू भू न करें उनको भ्रमरी कैसे कहेंगे? बाप कल्याणकारी आते हैं तो उनके जो बच्चे बनते हैं उनों के लिए कल्याण ही कल्याण है। तुम बच्चे ही इतनी बड़ी सारी दुनिया में जीत की तरफ हो, और तुम्हारी जीत में ही सुख है, हार में होता है दुख। जीत तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये माया पर जीत पाना तेरी तकदीर में है, बाकी इस दुनिया में क्या है? हमारे सामने तो ये साधु सन्यासी सभी पत्थर बुद्धि बुद्धू हैं, हम हैं इनकॉग्निटो, हम सभी को जान सकते हैं, और हमको तो कोई मुश्किल ही जान सकेंगे, क्योंकि ये तुम्हारी गुप्त सेना है, ये माया पर जीत पाने वाली है। माया जीते जगत जीत गाया जाता है, तो तुम्हारी पौ बारह है, बाकी दुनिया की है दीनदानी।
क्योंकि सच्चे संसार की बात तो हम ही जानते हैं। अपन सच्ची बात जानते हैं तो खुशी में भी रहते हैं और कल्याण की तरफ तो पुरुषार्थ करना ही है। दूसरों का कल्याण करें तब कहें हम कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे हैं। उसमें भी सहजते सहज है शिव के चित्र को हाथ में उठाए समझाना। किसका चित्र? शिव का चित्र होता है? शिव तो बिंदी का नाम बताया। बिंदी को चित्र कहें या विचित्र कहें? फिर शिव का चित्र क्या होगा? साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। अभी ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बन रहा है। स्वर्ग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य और स्वर्ग की स्थापना करने वाला है परमपिता परमात्मा। और तुम बच्चों को यही बात समझानी है। अच्छा, ओम शांति।